यार ये सीढ़ियाँ क्या है यहाँ पे? देखो ये सीढ़ियों को भी बड़ी अच्छी तरह से बनाया गया। देखो ये, देखो सीढ़ियाँ उस तरफ देखने के लिए, तो चलो देखते हैं चढ़ के इन सीढ़ियों के उस तरफ क्या चीज़ है। देखो ये छत पे जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई गई। ये पहला पैर रखा मैंने, दूसरा, तीसरा, और ये छत तो यार बहुत मोटी बनाई गई है। तो चलो मैं ये वाली छत भी दिखा दी ऊपर जाके। वैसे लोग ज़्यादातर जाते नहीं हैं, पवन पहले से वीडियो बना रहा है। ये देखो पवन वहाँ से वीडियो बनाने लग रहा है। देखते चलो उधर। यार मैं छत दिखा रहा हूँ, तो मैं इसकी ये छत कैसी बनी हुई थी होती थी, कोई दिक्कत तो नहीं वैसे यार, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए। तो चलो ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये छत देखो बहुत ढलान नुमा बनाई गई है। और ये देखो यार ऊपर आ गया मैं छत के। यहाँ से सैनिक देखते होंगे कि कोई आक्रमणकारी तो नहीं आ रहा था। ये छावनी बनाई गई थी सैनिकों के लिए। कैसे देखो यहाँ से, यहाँ पे बैठ के आराम से देखो देख सकते हैं पूरा व्यू। तो ये होता था पूरा व्यू देखने के लिए यहाँ से। और यार हवा तो इतनी ऊंचाई पे इतनी मस्त ही आ रही है, पता नहीं। देखो मैं ये दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। ये पूरे मेरे सामने एक सीकरी वाला पार्ट है, और यहाँ पे मैं एक छत पे खड़ा हुआ हूँ। देखो इसकी छत कितनी ढलान नुमा है पूरी तरह से। और यहाँ से देखो मैं, ये सीढ़ियाँ है नीचे जाने के लिए, पर मैं जाऊँगा नहीं यार, यहाँ से कोई दिक्कत ना है, क्योंकि नीचे लॉकड एरिया है ना सारे के सारे, तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्योंकि देखो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा तो नीचे वो ताला पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ही मैं देख लेता हूँ। और बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ। देखो बहुत सारे सोना बाबू के नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं किस किसने अपनी गर्लफ्रेंड का यहाँ पर नाम लिख रखा है। अगर तुम्हारी भी इच्छा है तो देखो अंजलि आई लव यू। और इसी विंडो से लोग मतलब देखते होंगे कि कोई आक्रमणकारी तो नहीं बाहर आ रहा। यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है क्लियर, 180 का क्लियर व्यू है यहाँ से। जैसे पूरा जयपुर ही दिखाई दे रहा हो, मतलब पूरा राजस्थान दिखाई दे रहा हो ऐसा लग रहा है यहाँ से। और पहाड़ी एरिया के पीछे से ज़्यादा आक्रमण होते थे, क्योंकि पीछे का व्यू आता नहीं। देखो पहाड़ यहाँ से, एक ये वाला पहाड़ है तो मैं देख रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ से आक्रमण खानवा का युद्ध इधर ही हुआ था। और देखो एक ये वाला पहाड़ है, तो ये आक्रमणकारी इसी के पीछे से ज़्यादा आते थे। और क्योंकि राजस्थान जो है वो पूरा पहाड़ी एरिया, तो दिक्कत ज़्यादा रहती थी। और इससे मैं नीचे, और ये है देखो अंदर नीचे जाने की सीढ़ियाँ। वी विल ट्राई दिस, चलो नीचे जाकर देखता हूँ यार सीढ़ियाँ बनी हुई। तो सीढ़ियों का एक बार ऊपर से मैं पहली बार नीचे जा रहा हूँ सीढ़ियों पे, तो देख चलो सीढ़ियाँ प्रूव करता हूँ। ये इस जगह का ब्लॉग तो मैं शायद यूट्यूब पे मिलेगा। ओ यार ये 10 फीट ऊँचे से कूदना है। देखो देखो यार यहाँ तो सब कुछ ख़त्म है, पत्थर वगैरह हटा दिया है यार यहाँ से। चलो तो मैं कूद ही जाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से कूद रहा हूँ। देखो सीढ़ियों से ऊपर से हम नीचे पहली बार आए, ये मसाल लगाने के लिए थे, तो चलो कूदते हैं। ओ कूद गए यहाँ पे। ये देखो, और ये सीकरी वाला पार्ट है, यहाँ से अभी हम उतर के आए थे। काफ़ी ढलान है यहाँ पे, और ये बहुत, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी का पत्थर का यूज़ किया गया, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। और यहाँ से देखो तो मैं कितनी नीचा दिखाई देगा जो वो सतफेरा है वो वाला। तो चलो चलते हैं सतफेरा की तरफ। और ये वाला पूरा पार्ट मैं तुम्हें ऊपर से दिखाई चुका हूँ, तो फिर अब वेस्ट है टाइम करना। यहाँ से इस तरफ जाने का कोई जुगाड़ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें ये वाला यहाँ से दिखा देता। ये भी एक छावनी, ये मान लो जो कोने पे बनी थी वो सैनिक छावनी होती थी। यहाँ से सैनिक दूर से आने वाले आक्रमणकारी को देखा करते थे। जैसे ये यहाँ पे बनी हुई है, एक ये वाली बनी हुई है, और ये जैसे ऊपर प्लस बनी सैनिक छावनी के रूप में। और ये वाला वही वाला होल है जहाँ पर भी हमने पिक्चर क्लिक करवाई थी। और इसका पीछे वाला पार्ट तो यार काफी दमदार है। यहाँ पे भी बना हुआ है, नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है, पर उधर से जाएंगे नीचे तो तब दिखाएंगे। तो मैं ये वाली है, ये वाला देखो। वैसे ये पवन उतर रहा है यहाँ से अभी। ये तुम्हें ब्लॉग्स में देखने को नहीं मिलेगा, पर मैं जाके दिखा रहा हूँ। देखो ये सैनिकों के लिए बनी हुई सारी छावनियाँ हैं, और ये कम से कम 100 से ज़्यादा होंगी। और ये नीचे देखो बनी हुई हैं,
और ये देखो ये सैनिकों की टोटल छावनियाँ बनी हुई थी यहाँ पे, ये टोटल, और ये बीच में पार्क बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए वो लॉक है, तो मैं इसे पूरा ऊपर से जाकर घुमा के दिखाता हूँ तुम्हें, और वहाँ से फिर मैं निकल जाऊँगा, नहीं फिर मैं घूम के आऊँगा। तो मैं उसकी छत पर घूम रहा हूँ अभी, वैसे मुझे पता नहीं इस पर आना अलाउड है कि नहीं, पर मैं आया हुआ हूँ। और ये देखो रूम, ऐसे लोगों के लिए हॉस्टल होते हैं ना, तो वैसे रूम बने हुए हैं, और हर एक के रूम के बीच में दीवार है, आला लगा हुआ है। और इसकी फैसिलिटी के तौर पर बताऊँ तो देखो क्या हो सकता है, वैसे तो यहाँ गंदगी बड़ी है, फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे एक आला, यहाँ दिया जलाने के लिए था, मसाला लगाने के लिए, और ये विंडो थी एयर आने के लिए, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। ये या तो हॉस्टल हो सकता है, या फिर ये हॉस्टल तो क्या होगा, ये सैनिकों के लिए बनी हुई छावनियाँ ही होगी। तो मैं ये वाला पूरा व्यू दिखा रहा हूँ तुम्हें आराम से। और ये देखो यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, उसी पर्पज़ से ये बनाई गई हूँ, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया से जैसे ही आक्रमणकारी आता होगा तो यहाँ से सैनिक छोड़ दिए जाते होंगे। और ये देखो ऊपर वाला व्यू, जहाँ पे अभी हम घूम के आए थे, हमने तुम्हें दिखाया था ऊपर से जो व्यू आ रहा था। तो ये और इसके ये पूरा सीमेंटेड हो रहा था, देखो अब हल्का हल्का सीमेंटेड रह गया। तो यहाँ से देखो, और ये सैनिक यहाँ से देखते थे, जैसे ये शेप में बना होता ना, यहाँ से सैनिक दुर्ग की रक्षा करते थे। और यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, पहाड़ी एरिया पर पहाड़ पर बनाया ही गया होगा शायद ये इतनी ऊँचाई में, यार अब मिट्टी डाल के कौन इसका मतलब इतना ऊँचा बनाया होगा। तो ये वैसा जैसे वो बना हुआ है वहाँ पहाड़ है एक, देखो ये वाला, तो ऐसे ही एक पहाड़ होगा जिसको काटकर बनाया गया है। और ये देखो नीचे वाला एरिया, यहाँ पे जैसे वहाँ था, ये चारों सेम बराबर हैं, उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ थी यहाँ से। तो मैं देखो दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ स्पेशल बना हुआ है, पता नहीं है क्या है। तो यहाँ पे देखो लड़ाई के लिए सामान, ये नीचे जाने के पानी जाने का नहीं, तो पर पता नहीं किसके लिए बनाए हुए हैं, ऐसे शिप में होल से बनाए हुए हैं, एयर ही आने के लिए होंगे। यहाँ पर लोगों ने नाम लिख रखे हैं, और इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अब खेती हैं। और ये पीछे यहाँ पर फोर्ट है, वो हम देख के थे, ये पहाड़ी इलाका ही था, क्योंकि ये पहाड़ देखने से पता चलता है पहाड़ी इलाका ही होगा पूरा, यहाँ पे इतना मिट्टी तो नहीं डालेगी। और यहाँ पे पेड़ खड़े हुए हैं, और मैं यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से निकल के हामा भवन दोनों ही आ जाएंगे। यार अब जब फतेहपुर सीकरी आते तो मैं एक एक पॉइंट दिखाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और ये छतों से नीचे हो गई है, यहाँ पे जो सैनिक ऊपर जो रहते होंगे वो अच्छे सैनिक होंगे, और नीचे जो होंगे नए सैनिक भर्ती होते होंगे, ये उनके लिए बनी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ से चलो मैं दिखाता हूँ ये पूरा व्यू, यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रेमिकाओं के नाम रखे हैं, हार्ट बीट भी बना रखे हैं, देख सकते हैं तुम, बहुत ज़्यादा हार्ट बने हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं ये लव, वैसे तो ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, पर यहाँ पे देखो लिखा है मुस्कान अंशु लव के से RNS, बहुत सारे देखो ये पूरे जो हर स्टोन पर किसी न किसी ने अपनी प्रेमिका का नाम रखा। यार मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई, तो यहाँ से उतरता हूँ स्टेयर से। और ये छावनी इस तरह से बनाई गई थी, देखो बारिश होती हुई तो इनमें शायद पानी स्टोर हो जाता होगा बीच में यहाँ पे। और देखो बहुत, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट करके जरूर बताना किस किस को मेरे